स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्लास में आई थिंक कोर्ट ऑफ अपील तक हमने बातें कर ली, और अब जो हमने तीन चार छोटे छोटे से टॉपिक्स बाकी वो इंशाल्लाह हम अभी खत्म करते हैं, ताकि चैप्टर वन हमारा इंशाल्लाह पूरा वाइंड अप हो जाएगा। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। तो मैंने आपसे जब ये हायरार्की वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें सबसे पहला सवाल मेरा ये था कि आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है। तो आप में से सबने सही जवाब दिया था, और जवाब ये था कि सुप्रीम कोर्ट है। सेम तरीके से आपके पास यूके की भी बात करें, तो यूके का जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है, यूके का जो इंग्लिश लीगल सिस्टम की हायरार्की है ना, उसमें जो हाईएस्ट कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। सही, नाम से ही जाहिर है कि सुप्रीम यानी जो हाईएस्ट प्लेस है। तो कोर्ट्स के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट है इन यूके इंग्लिश लीगल सिस्टम, वो दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सही। अच्छा जी, इसके अलावा एक चीज यहाँ पे कि द प्रीवियस नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज हाउस ऑफ लॉर्ड्स, द प्रीवियस नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज हाउस ऑफ लॉर्ड्स। देखिए बेटा, 2005 के अंदर, 2005 के अंदर ये हुआ था कि यूके ने कुछ जो है रिफॉर्म्स किए। 2005 के अंदर यूके ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए थे, यानी उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ मेजर चेंजेस, थोड़े से उन्होंने चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश की। जो पहले से लॉस चलते हुए आ रहे थे उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह जो कुछ भी पॉसिबिलिटी थी, रिफॉर्म्स मतलब मेजर अमेंडमेंट्स उन्होंने की। और उसके बाद उन्होंने एक चीज उसी रिफॉर्म में लेकर आए कि जनाब, हमारे पास जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट का प्रीवियस नाम 2005 तक जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता था। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद ये हुआ कि जनाब, उन्होंने उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नाम चेंज करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट रख दिया। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन इसकी, ऑपरेशन जो है इसका शुरू हुआ था इन अक्टूबर 2009, इन अक्टूबर 2009 जो ऑपरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो प्रॉपरली शुरू हुआ था इन अक्टूबर 2009। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा कि जो प्रीवियस नेम फॉर द सुप्रीम कोर्ट वाज क्या, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। दो पॉइंट्स हमने अब तक पढ़े। पहला पॉइंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट प्लेस है। इंग्लिश लीगल सिस्टम की बात करें तो उसमें हाईएस्ट जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। और दूसरे नंबर पे जो पुराना नाम था सुप्रीम कोर्ट का वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, जो कि 2005 के अंदर यूके के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए, जिसके बाद उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट कर दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट प्रॉपरली ऑपरेशनल हो गई फ्रॉम अक्टूबर 2009। नेक्स्ट सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पर्सनल है, यानी जो जजेस वहां पर बैठते हैं, दे आर 12 जजेस एंड दे आर नोन एज जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इन 12 जजेस के अंदर एक प्रेसिडेंट साहब है और एक डिप्टी प्रेसिडेंट है। जैसे हमारे यहाँ चीफ जस्टिस है, तो वहां पे जो है एक प्रेसिडेंट है और एक डिप्टी प्रेसिडेंट है। तीसरा पॉइंट आ गया यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, कितने पर्सनल यानी कितने वहां पे एम्प्लॉइज हैं, कितने जजेस हैं। आंसर इज 12। पाकिस्तान में कितने, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में 17 जज हैं। और आजकल जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जिसको यूके के लिए प्रेसिडेंट कहते हैं कोर्ट का, यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है अभी इस वक्त जो चल रहे हैं, ठीक है जी। बहरहाल ये थोड़ी सी नॉलेज थी कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के 17 जज हैं, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस गुलजार अहमद उनका नाम है। वापस यूके में आ जाएं तो यूके के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 12 जजेस होते हैं, जिन 12 जजेस के अंदर जो है वो तमाम के तमाम जजेस को जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और उन जस्टिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन 12 जस्टिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब और डिप्टी प्रेसिडेंट, ये दो लोग भी शामिल होते हैं। अच्छा, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स, आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, एक फॉर एग्जाम्पल उससे कोई क्राइम हुआ और वो चला गया सबसे पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। मैजिस्ट्रेट कोर्ट से फॉर एग्जाम्पल अगर वो सिविल सिविल डिसीजन है या सिविल केस है, तो वो काउंटी कोर्ट जाएगा अपील में। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिमिनल केस है, तो वो क्राउन कोर्ट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल क्राउन कोर्ट से भी उसके खिलाफ ही फैसला हुआ, और वो जो है फिर अपील करेगा कहाँ पर, हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट के अंदर अगर क्रिमिनल केस है, तो कौन से बेंच में, कौन से डिवीजन में केस होगा, आंसर इज क्वींस बेंच डिवीजन में। उसके बाद
फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट के क्वींस बेंच डिवीजन ने भी उसके खिलाफ ही फैसला सुनाया, फिर वो अपील कर सकता है कोर्ट ऑफ अपील के अंदर। कोर्ट ऑफ अपील में भी दो डिवीजन होते हैं, एक सिविल डिवीजन और एक क्रिमिनल डिवीजन। क्योंकि अभी हम क्रिमिनल केस की बात कर रहे हैं तो ये अपील कहाँ पे करेगा, कोर्ट ऑफ अपील के क्रिमिनल डिवीजन के अंदर। फर्ज करें कि वहां से भी इसके खिलाफ बात हुई तो अब ये फाइनल जो अपील करेगा वो कहां पर करेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और फर्ज करें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा केस अच्छे से दोबारा समझने के बाद ये देखा कि यार ये जो निचले कोर्ट्स हैं, नीचे वाले जितने कोर्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो शायद लॉ को नहीं समझ रहे थे। ऐसा प्रतिशत इतना होता नहीं। फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लेते हैं कि जी ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये जितने भी निचले कोर्ट्स हैं ये सारे के सारे सही से इस केस को डील नहीं कर पाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बंदे को जिसको निचले कोर्ट से सजा मिलती आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने फॉर एग्जाम्पल उसको सजा से बरी कर दिया। तो ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, दिस विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट्स। ये डिसीजन जो है वो तमाम के तमाम लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा। बेटा यहाँ पे एक वर्ड है बाइंडिंग, इसके आगे चल के एक वर्ड आएगा बाइंडिंग प्रेसिडेंट। ये बहुत एक छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंशाल्लाह चैप्टर 2 के अंदर हमने ये पढ़ना है। फिलहाल आप बाइंडिंग के लिए इतनी सी बात समझ लो, इसके दो चार और मतलब भी हैं, लेकिन फिलहाल इस बाइंडिंग बाइंडिंग का मतलब इतना समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा वो निचले कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा, यानी दे हैव टू ओबे दैट ऑर्डर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातें हमने यहाँ पे छोड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो आपके पास पहला पॉइंट क्या था कि हाईएस्ट कोर्ट है इंग्लिश लीगल सिस्टम के अंदर। नंबर टू, मैंने यहाँ पे बार बार एक वर्ड यूज किया है इंग्लिश लीगल सिस्टम का। ये अब जब हम अभी नेक्स्ट कोर्ट पढ़ेंगे ना, तो नेक्स्ट कोर्ट में आप थोड़ा सा देखोगे कि ये इससे ऊपर भी एक कोर्ट होती है, लेकिन एज फार एज इंग्लिश लीगल सिस्टम इज कंसर्न तो वहां पर जो हाईएस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। सही। अच्छा जी, एक तो पहला पॉइंट ये हो गया कि हाईएस्ट कोर्ट है। दूसरा पॉइंट हमने इसमें पढ़ा कि जो पुराना नाम था इसका कब तक, 2005 तक, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स तक जो इसका नाम था दैट वाज हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के बाद जो है चेंजेस की गई और हाउस ऑफ लॉर्ड का नाम चेंज करके जो है सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया, और ये सुप्रीम कोर्ट 2009 से ऑपरेशनल हो गई है। ठीक है, अक्टूबर 2009 से ऑपरेशनल हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 12 जजेस होते हैं, जो 12 जजेस हैं उसके अंदर जो 12 जजेस हैं उनका नाम है जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उन 12 जजेस के अंदर एक प्रेसिडेंट और एक डिप्टी प्रेसिडेंट साहब भी होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा वो उससे निचली कोर्ट्स पर, कोर्ट ऑफ अपील हो, हाई कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, काउंटी कोर्ट, सिविल कोर्ट, जो भी कोर्ट्स हैं उन तमाम के ऊपर जो है वो बाइंडिंग होगा। मैंने यहाँ पे एक वर्ड का बाइंडिंग का सिर्फ एक मतलब बताया है, आगे चल के हमने एक सेकंड चैप्टर के अंदर बाइंडिंग प्रेसिडेंट एक वर्ड पढ़ना है जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेबल टॉपिक है, उसमें हमने इंशाल्लाह जो है वो थोड़ी सी चीजों को डिटेल में रखे जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। अब इंग्लिश लीगल सिस्टम की बात करें, इंग्लिश लीगल सिस्टम के अंदर हमने 9 कोर्ट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, 9 कोर्ट्स को डिस्कस करना है, और उन 9 कोर्ट्स में से जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है, जो जो आपके पास स्ट्रक्चर है, वो हमने 6 पॉइंट्स पढ़ लिए। मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, उसके अलावा सिविल वो काउंटी और क्रिमिनल कोर्ट, काउंटी और क्राउन कोर्ट हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट हो गया, कोर्ट ऑफ अपील हो गया, और सुप्रीम कोर्ट हो गया। सही। अब ये मजीद 3 कोर्ट्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है, ये इंग्लिश लीगल सिस्टम में फॉल नहीं करती, लेकिन स्टिल जो यूके के अंदर ये कोर्ट्स भी जो है वो अपना काम कर रही हैं। तो क्या है ये जी, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें आप एक शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो जनाब ईसीजे। अच्छा जी, ईसीजे। सबसे पहली चीज ये कि आपके पास थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर टू, जो वर्ल्ड वॉर टू है वो जनाब स्टार्ट हुई थी 1939 में एंड इट एंडेड ऑन 1945। इट एंडेड ऑन 1945। उसमें यूरोप के मुल्क जो हैं वो आपस में लड़े थे, और आखिरी मरतबा लड़े थे, उसके बाद उनको अकल आ गई थी और उन्होंने कहा था कि बस ये इंतहाई गलत कदम हमने उठाया
और अब हमने इसके बाद जो है वो लड़ना नहीं है, बहुत कुछ सीखा। जंगों से जो कौमें सीख लेती हैं वो बहुत ज्यादा तरक्की कर जाती हैं। तो हुआ ये, जैसे पाकिस्तान भी है, हमने जंगे बहुत की है लेकिन जंगों से कुछ सीखा नहीं है। हमने कभी नहीं सीखा कि इन जंगों से हमें कुछ हासिल नहीं होता, बजाय हम यहाँ पे सारा बजट फूकने के हम अपने मुल्क की अपने आवाम की तरक्की पे लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन हमें फिलहाल अभी तक अकल नहीं आई है। बहरहाल जो लास्ट बार जो जंग हुई थी वो हुई थी वर्ल्ड वॉर टू, यूरोप के सारे मुल्क आपस में लड़ पड़े थे। उसमें जनाब इटली और जर्मनी एक साइड पे था, यूके फ्रांस वगैरह और छोटे छोटे मालिक एक साइड पे थे। जर्मनी इसमें बड़ा तगड़ा था और जर्मनी के एक जनरल साहब थे जो हिटलर साहब थे, उन्होंने अच्छी खासी यूरोप की खासकर यूके फ्रांस वगैरह की अच्छी खासी फेंटी लगाई थी। उसमें बहुत ज्यादा अमवात हुई थी, बहुत ज्यादा लोग मरे थे। तो जर्मनी को स्वीप कर रहा था पूरा पूरा यूरोप जो है, अच्छे खासे कंट्रीज के ऊपर जर्मनी जो है वो अटैक करता जा रहा था और अच्छा खासा कंट्रोल जर्मनी का उनको हासिल हो गया था। सही, थोड़ी सी वॉर की उन्होंने डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी गलती की कि वो जब एक इंसान होता है ना, कि जब इंसान जीत रहा होता है तो नशे में होता है, एक इंसान सक्सेस के नशे में होता है, तो जर्मन के जो हिटलर साहब थे उन्होंने अच्छा खासा यूरोप कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन इनसे गलती ये हुई कि जनाब उन्होंने जो है वो रशिया पे अटैक कर दिया। सही, और जब रशिया पे अटैक किया तो रशिया क्योंकि टेम्परेचर वाइज बहुत ज्यादा सर्द कंट्री, मच मच कोल्डर देन द यूरोपियन कंट्रीज, तो उस वक्त जो है वो लोग तैयार बैठे थे क्योंकि वॉर लगी हुई थी, वो तैयार थे, अपने अपने मोर्चे उन्होंने संभाले हुए थे। ये जो बेचारे थे ये पीछे से लड़ते पिटते आ रहे थे, तो जब इन्होंने अटैक किया तो इनको वहां पे बड़ी मार पड़ी, तो इनको जो है मजबूरन वापस आना पड़ा। और मजबूरन जब ये लोग वापस आए तो फिर जाहिर सी बात है कि वो जो जिनको ये फेंडी लगा के आ रहे थे उन्होंने भी थोड़ा सा अपने आप को संभाल लिया, और फिर जब ये वापस आए तो फिर इनके ऊपर भी जो है वो बड़े ज्यादा प्रॉब्लम्स इनके लिए हुए। भारत जब ये जंग हुई तो इस जंग के बाद जो है वो यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि यार ये हमारी जिंदगी की आखिरी मिस्टेक होगी कि हम लोग आपस में लड़ें, हम लोगों ने आपस में जो है ये जंग की है और हमने एक दूसरे का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। सही, तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, एक ट्रीटी साइन की। व्हाट इज दैट ट्रीटी मींस? ट्रीटी मींस का मतलब होता है एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है। जैसे मैं और आप अगर एक ट्रीटी साइन कर दें तो मैं और आप अगर एक ट्रीटी साइन करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे दोनों के दरमियान बाइंडिंग एग्रीमेंट है। कल जो है वो एक पाकिस्तान पॉलिटिक्स के अंदर एक पार्टी है बीएनपी, ठीक है, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी जो है, अख्तर मेंगल साहब उनके हैं, वो इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर जो है वो कोलिशन पार्टनर थे, हुकूमत का साथ दे रहे थे। कल उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया, तो उनका जो मौकफ था या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जी हमने इनके साथ यानी बीएनपी ने तहरीक इंसाफ के साथ एक ट्रीटी साइन की हुई है, एक ट्रीटी साइन की हुई है, एक ट्रीटी साइन की हुई है, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें कुछ 6 पॉइंट्स का वो जिक्र करते हैं कि जी ये 6 पॉइंट्स पर हमारी बात तय हुई थी और ये लोग जो है अब उसको एग्री नहीं कर रहे, अब उसको नहीं मान रहे। सही, तो इसलिए जो है हम अलहदा हो रहे हैं। बहरहाल वापस आ जाए कि यूरोपियन कंट्री ने कहा जी आइंदा हमने लड़ना वड़ना नहीं है, इसके लिए उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, एक एग्रीमेंट, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया और ये तय किया कि अब हमने आपस में मामलात को ज्यादा से ज्यादा जो है वो फरोग देना है, हमने ट्रेड बढ़ानी है, हमने आपस के लोगों के लिए जो है वो जो वीजा है वो फ्री करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग अपनी करेंसी बनाएंगे, तो जो यूरोप में करेंसी यूज होती है अदर देन यूके, तो यूके के अलावा बाकी पूरे यूरोप में आप फ्रांस चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, इटली चले जाएं, तो ये कहां तमाम के तमाम मुल्कों में एक ही करेंसी यूज होती है, दैट इज यूरो। तो ये तमाम जो है वो उनके दरमियान बातें तय हुई और उन्होंने कहा कि जी हम ट्रेड करेंगे, हम अपने मुल्कों को तरक्की देंगे, हम इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिकली सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ जंग नहीं करेंगे, और अगर हमारे साथ कोई जंग करने आएगा तो हम मिल के उसकी ठंडी लगाएंगे ताकि हम एक पावर डिक्लेयर हो जाए। तो जनाब स्टार्ट में सिर्फ 6 मेंबर्स थे जिन्होंने इस ट्रीटी के ऊपर साइन किया था और उन 6 मेंबर्स ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन इस वक्त जो है वो 28 मेंबर्स थे 31 दिसंबर 2019 तक, लेकिन अब एक माइनस हो गया है मुल्क। कौन सा मुल्क माइनस हुआ है? यूके। यूके जो है ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट लॉ उन्होंने यूके में रेफरेंडम करवाया गया, आवाम से पूछा गया और बड़ी थिन मेजोरिटी, तकरीबन
55% अवाम ने जो है वो ब्रेक्सिट कर्व को सपोर्ट किया है। ब्रेक्सिट को सपोर्ट किया मतलब कि दे वांट कि हम जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो जाए। उनके ब्रेक्सिट जो है शॉर्ट फॉर्म है ब्रिटेन एग्जिट, वी आर इज ब्रिटेन और एग्जिट उसके साथ है, तो ब्रेक्सिट उन्होंने एक वर्ड इसको दे दिया। वो जो कुछ लोग चाहते हैं कि हम अलहदा हो जाए, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि अलहदा हो, उनके अपने कुछ रीजंस हैं। बहरहाल जो है वो अब की बात करें तो इस वक्त जो है वो 27 मेंबर्स हैं। इस वक्त जो है वो यूरोपियन ममालिक के यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है वो 27 मेंबर्स हैं। अच्छा ये जो यूरोपियन यूनियन बनी थी ना, ये बनी थी जनाब 1952 के अंदर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जब इनको अकल आ गई तो उन्होंने ये ट्रीटी साइन कर दी और उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन बना ली। यूरोप में एक कंट्री है लग्जमबर्ग, उसमें एक सिटी है किर्चबर्ग, तो वहां पर जो है वो ईसीजे का हेड है, यूरोपियन यूनियन का हेड वहां पर। सही, मगर टॉपिक पे थोड़ा सा आया था, ये थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों को मैंने दी थी। तो पॉइंट ये है कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखिए इनके दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो यूके की है या सुप्रीम कोर्ट जो जर्मनी की है या सुप्रीम कोर्ट जो इटली की है, वो तो अपने मुल्क की हाईएस्ट कोर्ट है। वो अपने मुल्क की हाईएस्ट कोर्ट का मतलब ये है कि उनके अपने मुल्क के जो केसेस हैं, उनके अपने लोगों के जो केसेस हैं, वो सिर्फ उनको डील करती हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने ट्रीटी साइन की हुई है जिसमें इन्होंने तमाम यूरोप को एक साथ कर लिया हुआ है, इस वजह से जो है वो उन्होंने एक अलग से कोर्ट बनाई जिसका नाम क्या रखा गया, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि जो यूरोपियन ट्रीटी लॉ है जो कि इन मेंबर ममालिक ने साइन किया हुआ है, एग्री किया हुआ है, उसको इंश्योर करना कि वो ऑब्जर्व हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि हम ट्रेड फ्रोग देंगे, वीजा फ्री करेंगे, एक करेंसी यूज करेंगे और बहुत सारे मामले उसके अंदर शामिल हैं। तो ये जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये इस बात को इंश्योर करती है कि जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी पब्लिक के लिए जो है वो इस ट्रीटी लॉ के अंदर मेंशन किया है, वो इसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। सही, अच्छा अब फर्ज करें कि यूके वर्सेस यूके, एक इंग्लिश मैन है, एक इंग्लैंड का कोई बंदा है और दूसरा बंदा भी इंग्लैंड का ही है, तो इन दोनों के माबेन अगर कोई ट्रेड का मसला हो, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, कोई भी इस तरह की चीज होगी, तो ये लोग अपना केस को कहां तक लेकर जाएंगे, हाइएस्ट ये लोग लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक। हाईएस्ट ये लोग कहां तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सही ना, लेकिन फर्ज करें कि एक बंदा जो कि यूके का है और दूसरा बंदा जो है वो फॉर एग्जांपल जर्मनी का है, तो यूके वाला कहेगा कि जी आप यूके वाले बंदे ने जर्मनी वाले बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया और फॉर एग्जांपल किसी एक पार्टी ने उसने ब्रीच किया, अब इनके दरमियान प्रॉब्लम हुए, अब क्वेश्चन ये है कि हमें केस करना है। यूके वाला कहेगा जनाब आप मेरे पास आके इंग्लैंड आए, मैंने आप पर केस करना है, मेरी अदालतों में केस चलेगा। जर्मनी वाले कहेगा भाई मैं आपके पास क्यों आऊं, आपको मुझसे मसला है, आप जर्मनी आए, जर्मनी की अदालतों में केस चलेगा। लैंग्वेज बैरियर, इस तरह की चीजें और आ रही होती हैं। तो बहरहाल फिर केस कहां चलेगा जब आपके पास दो एक ही जैसे नेशन के लोग हैं, इंग्लिश वर्सेस इंग्लिश ही होगा, तो फिर तो आप ही के अपने ममालिक के लॉज के मुताबिक आपको डील किया जाएगा, आप ही की अदालतों में केस चलेगा। लेकिन अगर दो अलग अलग लोग हैं, दो चाहे इंडिविजुअल्स हों या इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल दो ममालिक का मसला हो जाए, दो ममालिक का मसला हो जाए, बेशक दो ममालिक का मसला हो या दो लोगों का मसला हो, दो बिजनेसेस का मसला हो जो कि अलग अलग मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं, तो उनकी जो सुनवाई होगी, उनके जो उनके लिए जो कोर्ट होगी, दैट विल बी यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, दैट विल बी यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, यूके की बात करूं, तो उनके अपने मुल्क के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होगा वो यूके की तमाम लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा वो तमाम के तमाम लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग है, उनको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एज अ यूके बात करें तो हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें, तमाम यूरोप को लेकर आए, तो फिर जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर आ जाएगी। तो इस ईसीजे के अंदर क्या डिस्कस होगा, पहली बात ये कि ईसीजे जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है यूरोपियन यूनियन की। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस मुल्क की हाईएस्ट कोर्ट होती है, लेकिन जो ईसीजे है, जो वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो यूरोपियन यूनियन की हाईएस्ट कोर्ट है। नंबर वन। नंबर टू,
अगर आपके पास दो सेम नेशन के लोगों के वसाइल होंगे तो फिर वो उनके मुल्क में ही डील होंगे, लेकिन जो ईसीजे है ये डील करता है उन तमाम डिस्प्यूट के साथ जो कि किन के दरमियान हो, दो डिफरेंट यूरोपियन मेंबर्स कंट्री के इंडिविजुअल्स के साथ या कंट्रीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल दो दो लोगों का फंड है या दो ममालिक का फंड है, तो दोनों सूरतों के अंदर जो है वो ईसीजे बीच में इन्वॉल्व होती है और वो कोशिश करती है कि जो यूरोपियन ट्रीटी लॉ है जो कि तमाम यूरोपियन मेंबर कंट्रीज ने साइन किया हुआ है उसके ऊपर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करे। सही, या तो बात होपफुली क्लियर हो गई है। दो चीजें हमने पढ़ ली है, एक सुप्रीम कोर्ट देखा है और दूसरे नंबर पे अभी हमने जो चीज पढ़ी है दैट इज यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। दो छोटे छोटे पॉइंट और बाकी। नंबर वन इज यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट इज ECHR, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट इज ECHR। मैं पहले पढ़ लेता हूँ इसको, फिर आपको मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अ सुप्रीम कोर्ट of those European states which have signed up the European Convention of the Human Rights. जो European Union है उसकी establishment के बाद जो ECJ था वो 1952 में बना था, सही? और जो आपके पास ये ECHR है, European Court of Human Rights है, ये sign हुआ था 1950 के अंदर, सही जी? साइन कब हुआ था ये 1950 के अंदर, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ था इन 1953। ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है जी? जो जब ईसीजे बन गया तो उसके बाद फिर ये तमाम जो कन्वेंशन थे, कन्वेंशन बोलते हैं कि जो आपके पास आपने कुछ रूल्स लॉज डिसाइड किए हैं, सही? तो ये उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो जो जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड थे, उन्होंने अपने ममालिक के यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स के ऊपर उन्होंने एक पूरा कन्वेंशन साइन किया एंड दैट कन्वेंशन वाज नोन एज ह्यूमन सॉरी यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इन कन्वेंशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए एक कोर्ट बनाई गई जिस कोर्ट का नाम था यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। हमारे यहाँ जो है वो इंसानों के इतने हकूक नहीं है जितने यूरोपियन कंट्रीज ने अपने लोगों के हकूक को जो है वो एक किस्म का राइट प्रोवाइड किया हुआ है, थोड़ा सा उन्होंने उनको सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है। अच्छा जी, तो पॉइंट है आप ये कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स नाम से ही जाहिर है कि वो तमाम लोग, तमाम इंडिविजुअल जो ये समझते हैं कि जी उनके ह्यूमन राइट्स को कहीं ना कहीं वायलेट किया गया, कहीं ना कहीं वायलेट किया गया है, तो फिर वो इस मामले को कहां लेकर आएंगे? ECHR में। और ये एक्शन जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल्स, ठीक है जी, अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल। बेटा ब्रेक्सिट, अल्टीमेट जो ब्रेक्सिट है ना, वो इनका जो डिसीजन हुआ है यूके वालों का, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमने जो है वो अलग होना है। ये डिसीजन इंप्लीमेंट हो गया December 31st, 2019 से, सही? लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं यूके के लोगों के कॉन्ट्रैक्ट को, फॉर एग्जांपल मैं यूके में हूँ और आप जर्मनी में हूँ, हमारा रेफरेंडम हुआ, मेरा क्या वोट था कि मैं यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता, लेकिन जो तमाम तो रेफरेंडम में मेजोरिटी ने डिसाइड किया वो ये किया कि जी हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर आना, सही? तो अगले दिन 31 दिसंबर को डिसीजन हो गया, 1 जनवरी को आपकी जर्मनी से मुझे कॉल है, सर वो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो उसका क्या हुआ? मैंने कहा जॉब मैं नहीं मानता आपका कॉन्ट्रैक्ट, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर आना है। आपने कहा कि सर मैं आपको ईसीजे लेके जाऊंगा, मैंने कहा जाओ जिसमें जाना है ईसीजे, मैं तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर ही नहीं हूँ, तो आपने ईसीजे जाना है, मुझ पर तो ईसीजे एप्लीकेबल नहीं होती, मुझसे बात करनी है तो आप मेरे मुल्क आना और सुप्रीम कोर्ट में जाके बात करते हैं, सही? तो बेटा इतना आसान नहीं है ना। तो अगर आपने एक डिसीजन ले लिया कि हम बाहर आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन से, तो स्टिल इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम इयर्स टू फॉलो अप, ठीक है? उन्होंने सिर्फ अभी डिसाइड किया है कि हमने बाहर आना है। अभी उनकी गवर्नमेंट को, जो इनका लास्ट प्राइम मिनिस्टर था इनका, एक लेडी थी, एक लेडी से पहले डेविड मॉरिसन जिसका कुछ नाम था उसका, डेविड कैमरन नाम था, तो उसको बहुत मुखालफत का सामना करना पड़ा इस ब्रेक्सिट की वजह से, उसने रिजाइन कर दिया, सही? तो अभी भी जो मौजूदा हुकूमत है यूरोप उसकी, यूके की, उसको सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि यार आपने डिसाइड तो कर लिया कि हम बाहर जा रहे हैं,
लेकिन ये पिछले देखो 1952 के अंदर ये यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ, तकरीबन 70 साल हो गए इस चीज को, तकरीबन 70 सालों के अंदर जो है वो बहुत ताल्लुकात हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के लोग यहाँ पर आ गए हैं जो कि पहले फ्री वीजा के साथ आते थे, कोई वीजा था ही नहीं, सिर्फ पासपोर्ट पे आप यूरोप में ट्रेवल कर सकते थे, तो बहुत सारे दुनिया यूरोपियन कंट्रीज के लोग बगैर वीजा के यूरोप उसमें यूके में रह रहे हैं और बहुत सारी ट्रेडिंग हो रही है, बहुत सारा माल आना ले जाना सब कुछ हो रहा होता है, तो सिर्फ आपके डिसीजन की बेस पर जो कि आपकी अवाम ने बड़ी थिन मेजोरिटी सिर्फ 55% के बेस पर डिसाइड कर लिया, तो इट विल नॉट बी एन इजी टास्क उसको वाइंड अप करने में, चीजों को सेटल डाउन करने में, इट विल टेक सम टाइम, तो अंटिल देयर इज अ फाइनल डिसीजन के लिए अब आज के बाद से हम अलहदा हो गए, जैसे 14 अगस्त 1947 को ऐलान हुआ कि आज से हम पाकिस्तान हैं, तो भाई उससे पहले जो है जैसे अगर आपको थोड़ा सा पता ही होगा कि जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है दैट वाज पास्ड ऑन 23 मार्च 1940 लेकिन जो पाकिस्तान केम इनटू बीइंग दैट वाज इन 14 अगस्त 1947 ऑलमोस्ट आफ्टर 7.5 इयर्स तो ये 7.5 इयर में क्या चल रहा था 7.5 इयर के अंदर यही चीजें डिसाइड हो रही थी कि हाउ थिंग्स विल गो डाउन कैसी चीजें सेटल होंगी जमीनों का बंटवारा कैसे होगा बाउंड्रीज कैसे होंगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो स्टिल एज फार एज आई एम स्पीकिंग टू यू तो इस वक्त जो है क्योंकि यूके ने डिसाइड जरूर किया है कि वो ब्रेक्सिट से बाहर आएगा ब्रेक्सिट करेगा बाहर आएगा लेकिन क्योंकि इट विल टेक सम टाइम मे बी 4 to 5 इयर्स लेकिन जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो कोर्ट यूके को फॉलो करनी है दैट विल बी ईसीजे होप आंसर्ड द क्वेश्चन थोड़ी सी डिटेल होगी लेकिन ठीक है नॉलेज साथ साथ चलेगी अल्तमश क्लियर गुड हो गए अच्छा जी नेक्स्ट इज आपके पास यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर जो है मैंने अभी आपको एक चीज बता दी कि मेनली जो है वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को के अंदर जितने भी हमने यूरोपियन कंट्री के लोगों के जो राइट्स बताए थे उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर कोई भी शख्स उन राइट्स को वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ जो कानूनी चारे जो होगी जो कानून एक्शन में आएगा वो उसके लिए कौन सी कोर्ट होगी दैट विल बी ECHR दैट विल बी ECHR ठीक है जी डन तीन चीजें हमने पढ़ ली पहला हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट दूसरा यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस और थर्ड वन इज यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स लास्ट पॉइंट रह गया जी प्रीवी काउंसिल लास्ट पॉइंट इज प्रीवी काउंसिल तो प्रीवी काउंसिल में सबसे पहला एक वर्ड सुन लें दैट इज कॉमनवेल्थ कंट्रीज दैट इज कॉमनवेल्थ कंट्रीज ठीक है अच्छा अब एक चीज सॉरी ऊपर एक चीज रहेगी बड़ी इंपॉर्टेंट दैट इज जो ECHR की जो कन्वेंशन है ना ये 47 यूरोपियन कंट्रीज ने साइन की हुई है एंड दीज आर नोन एज काउंसिल ऑफ यूरोप काउंसिल ऑफ यूरोप ठीक है काउंसिल ऑफ यूरोप आई रिपीट जो ECHR की कन्वेंशन है वो 47 यूरोपियन कंट्रीज ने साइन की हुई है एंड दोस 47 कंट्रीज मेंबर्स आर नोन एज काउंसिल ऑफ यूरोप इस लाइन के बोलने के बाद किसी का कुछ सवाल है तो ही मैं जवाब दूंगा इसका एंड आई रियली वॉन्ट कि आप लोगों के जहनों में एक सवाल आना चाहिए मैं खुद बता सकता हूँ बट आई रियली वॉन्ट कि अगर आप में से कोई पहले सवाल पूछे कोई दिमाग आपका काम करे ताकि थोड़ा सा पता लगे कि मैंने ज्यादा सुबह सुबह क्लास नहीं रखी जाग रहे हैं लोग आवाम जाग रही है कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा है इस लाइन के बोलने के बाद अगर मैं ये कहूं कि जी यूरोपियन कोर्ट ऑफ एचआर जो है वो 47 कंट्रीज ने वो कन्वेंशन साइन किया हुआ है और वो 47 कंट्रीज जो है काउंसिल ऑफ यूरोप के लाते हैं एनी क्वेश्चन अच्छा जी क्वेश्चन ये आया यूरोपियन यूनियन से अलग है अब समझना ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मोल्ड कर देता हूँ सर यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 मुल्क हैं और इसके अंदर इस काउंसिल ऑफ यूरोप के अंदर 47 कंट्रीज हैं तो ये क्या बात हुई बेटा पहली चीज ये कि जो ये काउंसिल ऑफ यूरोप है उसमें 47 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन में इन्हीं 47 में से 27 है फर्क है दोनों में काउंसिल ऑफ यूरोप में और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में फर्क है देखो जो काउंसिल ऑफ यूरोप है ना जिसमें 47 कंट्रीज हैं
उन्होंने एग्री किया हुआ है यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे, सही। लेकिन सारे के सारे लोगों ने, सारे के सारे यूरोपियन कंट्री आर नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में तो बड़ी सारी चीजें है ना, ट्रेड हमने डील करनी है, वीजा फ्री करना है, लोगों की आमदोरफ फ्री करनी है, एक करेंसी यूज करनी है, तो उसमें तो बड़े सारे पॉइंट है। तो 47 कंट्रीज जो यूरोप के हैं उन्होंने ह्यूमन राइट्स तक तो बात एक्सेप्ट की है कि हाँ जी हम यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई भी ह्यूमन राइट्स को वायलेट करेगा तो वी विल गो टू ECHR। लेकिन एज फार एज यूरोपियन कोर्ट, यूरोपियन यूनियन इज कंसर्न, हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे, सही, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उसमें अगर आपको शामिल होना है तो आपको सारे पॉइंट्स मानने पड़ते हैं। तो 20 कंट्रीज ने खुद को अलग रखा हुआ है, क्योंकि हम एज अ इंडिविजुअल कंट्री खुद अपने मुल्क चला लेंगे, हमें यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बनना। लेकिन एज फार एज ह्यूमन राइट कन्वेंशन इज कंसर्न, वी आर विद यू ऑन दिस पेज फॉर दैट, कि हम ह्यूमन राइट्स की हद तक तो आपके साथ हैं लेकिन यूरोपियन यूनियन में हम आपके साथ नहीं है, ठीक है जी। ये इसका आंसर था। वापस आ जाओ, प्रीवी काउंसिल की बात करते हैं, और प्रीवी काउंसिल की बात शुरू करने से पहले यहाँ पे एक वर्ड है, दैट इज कॉमनवेल्थ कंट्रीज। आपने नाम सुना होगा कॉमनवेल्थ कंट्रीज का, दो वर्ड्स आपने सुने होंगे, एक कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स, तो बहुत सारे मुल्क हैं जो कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, खासतौर पे यूके जो है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप दे रहा होता है, और इसके अलावा जो अच्छा जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप होती है ना वो सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए ही होती है। अभी बताता हूँ कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन से हैं। इसी तरीके से हर 2 साल बाद या 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, पिछली बार शायद इंडिया में हुए थे, लेकिन हर 4 साल बाद जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं जिसमें सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रीज भी आते हैं। एक तो ओलंपिक्स होते हैं ना, ओलंपिक्स के अंदर दुनिया के अंदर दुनिया के तमाम ममालिक शरीक होते हैं, लेकिन जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं दे आर जस्ट लाइक ओलंपिक्स, बट उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते कौन से हैं? देखें, वो तमाम के तमाम ममालिक जिस पर इंग्लैंड की, यूके की हुकूमत थी, वो तमाम के तमाम ममालिक जिस पे पास्ट में इंग्लैंड की, यूके की हुकूमत थी, वो कंट्रीज कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाते हैं। वो तमाम कंट्रीज जिस पे पास्ट में यूके की हुकूमत थी, जैसे बहुत सारे कंट्रीज, इवन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरह के जो सराउंडिंग में जितने हैं, चाइना पे कभी यूके की हुकूमत नहीं रही, अफगानिस्तान के ऊपर कभी यूके की हुकूमत नहीं रही, इवन कनाडा वाज अ यूरोप इज अ कॉमनवेल्थ कंट्री, इवन ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉमनवेल्थ कंट्री, ये सारे के सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, सही। तो जब ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते थे, जब हुकूमत चलती थी यूके के ऊपर इन ममालिक की, तो एक लाइन कही जाती थी कि जो क्वीन है उसकी हुकूमत का सूरज कभी भी गरूब नहीं होता। इतने सारे, इस बात का मतलब क्या है कि इतने सारे ममालिक के ऊपर जो है वो उनकी हुकूमत थी कि किसी भी सूरज जो है वो कभी भी किसी भी मुल्क में वो तुलू ही हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि जी एक जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया में सुबह है, ऑस्ट्रेलिया में रात हो रही है तो पाकिस्तान में सुबह है, यानी जो हुकूमत थी क्वीन की, जो हुकूमत थी उसकी सल्तनत का सूरज कभी गरूब नहीं होता था, ये लाइन एक महावरतन बोली जाती थी, सही। तो व्हाट आर कॉमनवेल्थ कंट्रीज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज ये होते हैं कि जी वो तमाम ममालिक जिससे यूके की यूके के जो है कभी कभी हुकूमत रही है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाते हैं, सही। अच्छा, अब जब ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज हुआ करते थे, अब तो नहीं रहे, अब तो खाली बराए नाम कॉमनवेल्थ कंट्रीज रह गए क्योंकि अब इंग्लैंड की किसी मुल्क पर हुकूमत नहीं रही, लेकिन जब ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज हुआ करते थे उस वक्त जो हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी, जो हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी फॉर कॉमनवेल्थ कंट्रीज, दैट वॉज अ प्रीवी काउंसिल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूके में हुआ था जी, आपके पाकिस्तान पर चल रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अज्यूमिंग कि जी वो कॉमनवेल्थ कंट्री है अंडर द रूल ऑफ यूके है, तो जी ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जो कि तमाम लोअर कोर्ट से बाइंडिंग है, सही। अब वो जो बंदा था ना उसको अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो लेकर चला गया इस चीज को, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो कॉमनवेल्थ कंट्री ना होता और वो कोई यूरोपियन यूनियन का मेंबर होता तो वो कहाँ लेके जाता उसको, ECJ में। ECJ में तब लेके जाता जब दो इंडिविजुअल्स हैं वो अलग अलग ममालिक के होते, सही। अब फर्ज करें कि ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर देने के बाद जो है उस बंदे को अभी भी वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है,
तो उसने अब जो अपील करनी है वो कहां पर करनी है, प्रीवी काउंसिल में। तो ये प्रीवी काउंसिल जो है वो यूके की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक इदारा होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि अब तो इतने कम रह गए ना, तब तो सिर्फ उनके पूरे पूरे साल में कोई इक्का दुक्का केस अगर कोई अपील कर दे तो हो जाए, अदरवाइज अब तो वो चीज रही नहीं है। सही। तो पॉइंट इज दिस के जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर अ नंबर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो थे वो प्रीवी काउंसिल है, और अब जो है वो पहले तो प्रॉपर एक कोर्ट बनती थी, लेकिन अब क्योंकि इतने कंट्रीज नहीं रहे हैं, जो बहुत सारे मुआलिक से निकल चुके हैं, ट्रीटी से निकल चुके हैं, तो अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो एक छोटा सा समझ लें कमरा टाइप रह गया, जहां पे ये प्रीवी केसेस जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अगर कोई अपील कर दे, अगर कोई उसको वहां पर ले जाए, तो फिर जो है वो उसको उसको वहां पे वो डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी नवाज शरीफ साहब जो हमारे हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी कि जी आप जो है वो इलेक्शन नहीं कर सकते, और यू आर डिक्लेयर्ड कि जी आपने जो है वो करप्शन किया है या जो भी प्रॉब्लम उनके हैं। तो बेटा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये फर्ज करे कि अगर हम कॉमनवेल्थ कंट्री होते और हम जो है वो आज भी अंडर द लॉ ऑफ क्वीन होते, तो नवाज शरीफ साहब नेक्स्ट अपील कहाँ करते, प्रीवी काउंसिल में। और अगर प्रीवी काउंसिल नवाज शरीफ साहब के हक में डिसीजन दे देता, तो तमाम बेशक हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हुआ था, बट स्टिल जो प्रीवी काउंसिल है इट इज द हाईएस्ट कोर्ट फॉर द कॉमनवेल्थ कंट्री। अगर आप इंडिविजुअल कंट्री की बात करो तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है, लेकिन कॉमनवेल्थ कंट्री की जो हाईएस्ट कोर्ट हुआ करती थी दैट वॉज प्रीवी काउंसिल। अब क्योंकि वो चक्कर रही नहीं है, पाकिस्तान कॉमनवेल्थ से बाहर आ गया, इसलिए नवाज शरीफ साहब को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया कि आप सादिक और अमीन नहीं। बहरहाल वापस आ जाए, पॉइंट क्या था कि जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर अ नंबर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है वो प्रीवी काउंसिल है। ये प्रीवी काउंसिल है, ये सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों को सुनती है, और जो जुडिशरी ऑफ प्रीवी काउंसिल है, जुडिशरी ऑफ प्रीवी काउंसिल है उसको रेगुलेट किया जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन के मुताबिक। ठीक है, जो उस मुल्क का अपना कानून और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक ही रेगुलेट किया जाता है। और आखिर क्या है कि जो प्रोसीडिंग्स है वो कहाँ पर होती है, यानी प्रीवी काउंसिल कहाँ पर है, दैट इज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूके। मैंने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो यूके का है उससे छोटा सा कमरा टाइप कह लो, एक छोटा सा ऑफिस है प्रीवी काउंसिल का, जो अभी भी कोई स्टेट मैटर पे या किस तरह के केसेस होते हैं जो कोर्ट ऑफ उसमें प्रीवी काउंसिल में कॉमनवेल्थ कंट्री की तरफ से अगर कोई आ जाए तो ही वो जो है उसको सुनते हैं, अदरवाइज अब प्रीवी काउंसिल की वो की चीज ऐसी नहीं रही है। ठीक है, तो ये जनाब आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया, 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं आज, सुप्रीम कोर्ट, ईसीजे, ईसीएचआर और प्रीवी काउंसिल। इन 4 में कोई आपका सवाल है तो पहले मुझसे वो बता दें, उसके बाद हम नेक्स्ट हाफ ऑफ क्लास में जाएंगे। एनी क्वेश्चन के लोगों के जो बिहेवियर है उसके एक्सपेक्टेशन पर और एथिक्स के ऊपर, ये होगी पहली बात। सही। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे एक क्वेश्चन था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉ, तो उसका आंसर ये है कि कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ, स्टैट्यूट लॉ, प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। मरियम खान, इफ यू कैन आंसर मी द डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉ एंड इक्विटी लॉ। मरियम खान, इफ यू कैन आंसर मी द डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉ एंड इक्विटी लॉ। सर, कॉमन लॉ यानी कि जहां पर ये शुरू कहां से हुआ था सर, जहां पे किंग्स वगैरह करते थे सारी ये जजमेंट वगैरह, ये कब शुरू हुआ था, ये 1066 इट स्टार्टेड इन 1066। कौन सा बादशाह था जिसने ये शुरू किया था, कौन से बादशाह के नाम से जिन्होंने शुरू किया था, विलियम शेक्सपियर क्या नाम था बादशाह विलियम। ठीक है, ऐसे ही जी सर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि उस बादशाह साहब ने किया क्या था, इस कॉमन लॉ को बनाने के लिए किया क्या था, किन लोगों को उसने दूर दराज इलाकों में भेजा था। सर, जो इसमें दो चीजें थी, एक तो वो ये करते थे कि जो लोग जिनके बीच में डिस्प्यूट होता था तो उनको ऑफर करते थे, तो मेरे क्वेश्चन सुनो, मैं शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा, उन शॉर्ट क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर दोगे ना ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर वन, ये शुरू कब हुआ था? 1066 में। किसने शुरू किया था? किंग विलियम ने। किंग विलियम ने किया क्या था? किंग विलियम ने अपने कुछ किनको जजेस को ट्रेवल किया था, दो दूर दराज इलाकों में भेजा था, कुछ गाइडलाइंस बता था। सही, वो जो जजेस थे वो पूरे सल्तनत के डिफरेंट जगहों पर जाते थे और वहां पर जो लोगों के डिस्प्यूट होते थे उनको उसको उसको रूल बेस करके उसको अपना डिसीजन देते थे। सही, जो कॉमन लॉ था उसमें खराबी क्या थी? खराबी क्या थी इसमें? जो रेमेडी थी वो सिर्फ और सिर्फ जो जो जजेस अपने डिसीजन देते थे ना, डिस्प्यूट का डिसीजन देते थे, तो उसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे? सर उसके अंदर डैमेजेस वगैरह। हाँ, वो डैमेजेस कौन सी फॉर्म में होते थे? मॉनेटरी फॉर्म में। ठीक हो गया। जो अब दो क्वेश्चन सुन लो, एमसीक्यू में आएगा इसलिए बता रहा हूँ। जो कॉमन लॉ है उसमें जो रेमेडी है उसका नाम क्या है? डैमेजेस। ठीक है जी, बाकी सबको आवाज आ रही बेटा? क्लियर है ना बातें सारी? कॉमन लॉ में जो डैमेजेस हैं उसका नाम क्या, सॉरी जो रेमेडीज हैं, यानी जो जो फैसला वो देते थे, जो हल वो देते थे, उसका नाम क्या था? डैमेजेस। और वो जो डैमेजेस थे उसका फॉर्म क्या होती थी? मॉनेटरी फॉर्म। यानी वो डिसीजन से, यानी आपने किसी का बंदा कत्ल भी कर दिया तो उनके पास हल सिर्फ एक होता था, पैसे दे दो। सही है जी, ये हो गया। अब ये लोग सब, ये जो कॉमन लॉ एक बुक की शक्ल, 200 से 300 साल के अरसे में इस कॉमन लॉ में एक बुक की शक्ल इख्तियार करनी, ये बुक कैसे बनी थी? ये बुक में कैसे कन्वर्ट हुआ था? क्योंकि लोग जो जजेस, फॉर एग्जाम्पल मैं बादशाह और मेरे 100 जजेस हैं, तो ये 100 के 100 जजेस तो कोई लाहौर में, कोई कराची में, कोई फैसलाबाद में, कोई इस्लामाबाद में, इन लोगों को मैंने भेजा हुआ है, तो ये सारे कॉमन लॉ मेरे पास बुक की फॉर्म में कैसे आएंगे? बच्चे याद रहे हो ना? तो ये वाला पॉइंट याद नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ, आप जो शुरू में वेस्टमिंस्टर हाउस बोल रहे थे ना, ये सब लोग जो अभी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में अपने अपने फैसले सुना रहे हैं, फर्ज कर लो ये लोग वापस आएंगे यूके में लंदन, पाकिस्तान में कराची, और वहां पर जो हमारे वजीर अला सिंह मुराद अली शाह साहब हैं, इन्होंने इनको एक क्या दे दिया हुआ है? ऑफिस, जिस ऑफिस का नाम क्या है? वेस्टमिंस्टर हाउस। वहां पे बैठ के अपने अपने डिसीजन को डिस्कस करके जो बेस्ट डिसीजन होगा उसको एक लॉ बनाकर एक बुक मेंटेन करेंगे, वो बुक का नाम क्या होगा? कॉमन लॉ। एग्री? कॉमन लॉ। डन हो गया? चले हुज़ैफ़ा, आपकी बारी आ गई, इक्विटी लॉ मुझे बता दो। हुज़ैफ़ा अगर जाग रहे हो तो बेटा इक्विटी लॉ बता दो। पहली बात मुझे बताओ हुज़ैफ़ा, मैं क्वेश्चन करूंगा उसका आंसर देने। हुज़ैफ़ा जाग रहे हो, आवाज आ रही है? यस सर। चलो गुड। यस सर। बेटा पहला सवाल, इक्विटी लॉ बनाने की जरूरत क्या थी? अच्छा खासा कॉमन लॉ था तो इक्विटी लॉ बनाने की जरूरत क्या थी? कॉमन लॉ में ऐसी कौन सी खराबी थी जिसकी वजह से इक्विटी लॉ बनाना पड़ा था? सर कॉमन लॉ में डैमेजेस होते थे, उसकी फॉर्म मॉनेटरी होती। गुड, शाबाश, गुड, वेरी गुड। आगे? तो इक्विटी लॉ में जो है वो फेयरनेस, गुड, वेरी गुड, शाबाश, बोलो। फेयरनेस के साथ जो है डिसीजंस हो लीगल सिस्टम में रहते हुए, तो उसमें वो क्या चीज इंक्लूड की उन्होंने? कौन से डैमेजेस इंक्लूड किए? नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी। कौन से डैमेजेस नहीं, कौन सी रेमेडीज इंक्लूड की? नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी। कॉमन लॉ में जो रेमेडी थी दैट वाज डैमेज, इक्विटी लॉ में जो रेमेडी है वो नॉन मॉनेटरी है। और नॉन मॉनेटरी के अंदर चार चीजें होती है, मैंने अब तक आपको सिर्फ दो बताई, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और दूसरी, सर क्या बोला आपने आवाज दोबारा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और दूसरी कौन सी थी रेमेडी इक्विटी में? इंजंक्शन। गुड हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन खाली आपसे और रह गया कि ये जो कॉमन लॉ है ये तो हमारे जजेस ने बनाया था, है ना जी, इक्विटी लॉ किसने बनाया था? एक बंदा था ना वजीर खास, क्या कहते हैं उस वजीर खास को? चांसलर कोर्ट नहीं, बिल्कुल सही, चांसलर, चांसलर, चांसलर कहते हैं, जो कि बादशाह ने उसको कहा कि आप बैठ जाओ और जो केस आपके पास कॉमन लॉ से अपील में आएगा तो उसको आपने सुनना है। ठीक है,
एक सवाल और रह गया, एक सवाल और रह गया, फर्ज करें कि एक मसला है, एक डिस्प्यूट है जिसके अंदर कॉमन लॉ ने एक डिसीजन दिया, इक्विटी लॉ ने एक डिसीजन दिया, विच शैल प्रिवेल, किसको माना जाएगा? हाँ, किसको माना जाएगा, बिल्कुल, अगर एक मामले पे दोनों ने डिसीजन दिया, कॉमन वाले ने भी इक्विटी वाले ने, किसको माना जाएगा? इक्विटी वाले को माना जाएगा, वाले को। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इक्विटी लॉ बादशाह ने कहा, सही, सिंपल है ना, मतलब बादशाह सलामत है, तो बादशाह ने जो कह दिया वही होगा, तो बादशाह ने कहा था कि जी कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ में क्योंकि वजीर खास साहब मेरे बड़े खास हैं, तो जो ये कहेंगे वही होगा, दैट्स व्हाई इक्विटी लॉ सही है, ठीक है, ठीक हो गया। अब बारी है हमारे पास हुज़ैफ़ा, हो गया सफी, सफी आपके पास आसान सा सवाल आ गया यार, स्टैट्यूट लॉ, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, स्टैट्यूट लॉ, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, हुज़ैफ़ा जाग रहे हो? नहीं, सफी, सफी साहब जाग रहे, सफी आवाज आ रही है, सफी आवाज आ रही है, हेलो सफी, आपने मेरे सामने ये टॉपिक पढ़ा नहीं शायद पहले, क्या पढ़ा है? सर मैं नहीं पढ़ा, आप नहीं पढ़ा ना, आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना, सफी आपने मेरे सामने बेटा कल ज्वाइन किया था ना? यस यस, चलो ठीक है सफी, मैं आपसे फिर जो कल हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछता हूँ, हरीमा आप अगर बेटा सुन रहे हो तो स्टैट्यूट लॉ, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, ये तीन चीजें आपने बतानी है, क्या आपका आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलो, मैंने आपका क्वेश्चन रिपीट कर दूं, मनोज ठीक है सर, स्टैट्यूट लॉ के बारे में बताती हूँ कि ये इसके लिए इसकी क्रिएशन पार्लियामेंट ने की थी, पार्लियामेंट करता है जिस तरीके से, कॉमन लॉ कौन बनाता है, स्टैट्यूट लॉ कौन बनाता है? कॉमन लॉ कॉमन लॉ जो जजेस बनाते हैं और स्टैट्यूट लॉ जो है पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है, कॉमन लॉ जजेस बनाते हैं और स्टैट्यूट लॉ पार्लियामेंट बनाते हैं, पार्लियामेंट बता सकते हो कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट किसको बोलते हैं और यूरोप उसमें यूके में पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? जी सर, सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान की बात करें तो फर्स्ट जो है लोअर हाउस ऑफ नेशनल असेंबली आता है, फिर अपर हाउस ऑफ मतलब जिसे सेनेट कहते हैं, और फिर प्रेसिडेंट होता है, गुड हो गया, ठीक है, एंड दिस आर कंबाइनली नोन एज पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, जी, और यूके में जो है वो हाउस ऑफ कॉमंस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड क्वींस, ठीक है, जो लोएस्ट वन इज हाउस ऑफ कॉमंस, उससे ऊपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और तीसरे नंबर पे जो है वो क्वीन आ गई, क्वीन आ गई, ठीक है, और ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज के लिए हम बनाते हैं नॉर्मली, जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, और जैसे कि कंपनी लॉ हो गया या फिर इस तरह कुछ, और अच्छा ये पार्लियामेंट ही लॉ पास करती है और पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है इसका जो लॉ होते हैं, और पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर सकती है, सिर्फ स्टैट्यूज जो होते हैं, स्टैट्यूज है मतलब यूके की पार्लियामेंट इज सुप्रीम, राइट, सब लोग सुन रहे बेटा ये बात कि यूके की पार्लियामेंट इज सुप्रीम, और यूके की पार्लियामेंट जो भी डिसीजन करेगी, कोई भी फैसला, जैसे फॉर एग्जांपल यूके की पार्लियामेंट ने डिसीजन किया कि सब से सब जो हमारे मुल्क के लोग हैं जिसका जितना चाहे शराब पिए, रोड पे जितनी चाहे शराब पिए, एक्सीडेंट करे, जो सब कुछ पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया कि जनाब कि हर बंदा जितनी चाहे शराब पी सकता है, रोड पे पिए, घर में पिए, बाहर पिए, कुछ भी है, कोई बंदा उस लॉ को चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि यूके के अंदर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ऐसे ही है? लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा मसला ये है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, जो हमारा आईने पाकिस्तान 1973 है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान में, लेकिन यूके की बात करें तो वैसे ही जी कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो, कोई भी कानून बना सकती है, और रिपेल करना, चेंज करना भी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के ही इख्तियार में होगा, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, ओके सर, पब्लिक लॉ जो है वो रेगुलेट बाय गवर्नमेंट, और लाइक इसके फंक्शन जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं, और लाइक इसके एग्जांपल ऐसे जैसे कि मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, क्रिमिनल केसेस बेसिकली, जी क्रिमिनल केसेस, और प्राइवेट लॉ के बारे में जो मतलब ये लोग करते हैं, आई थिंक शायद आपस में इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, बाय पीपल, जी, और लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ हो गया, इसके मेन डिफरेंस जो है इसके बीच का, पब्लिक लॉ प्रोसिक्यूट्स जो है वो गवर्नमेंट करती है और प्राइवेट लॉ जो है वो प्रोसिक्यूशन इंडिविजुअल पर होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, ये आप सबको अलाउड है, जो भी समझता है कि आई कैन आंसर द बेस्ट वन वो मुझे आंसर दे, और थोड़ा सा फास्ट ट्रैक चलेंगे बेटा क्योंकि हमें एमसीक्यूज मिस नहीं करने,
तकरीबन 20-15 मिनट लेफ्ट है, इसे 5 मिनट और इसको रिवाइज करूंगा, उसके बाद फिर जो है हमने गाने क्रिमिनल और सिविल लॉ का डिफरेंस। एनीवन अल्तमश बताएं भाई सर, इसमें डिसीजन होता है वो 100% एविडेंस पे होता है क्रिमिनल लॉ में, बियॉन्ड अ रीजनेबल। 100% एविडेंस को क्या बोलते हैं? Beyond a reasonable doubt. ठीक है, और civil law में जो decision होता है वो किस बेस पर होता है? 51% balance of probability. 51% नहीं है, answer 51% नहीं है, answer is majority पर. Majority. ठीक है ना, वो चाहे 52 क्यों ना हो, answer is majority and that majority decision is called balance of probability. बिल्कुल ऐसी balance of probability. ठीक है, रीबा का answer किया, रीबा का mic नहीं चल रहा इस वजह से रीबा ने answer किया कि जी criminal के अंदर से punishment होती है, good है, और सख्त से सख्त पनिशमेंट होती है जबकि सिविल लॉ के अंदर रेमेडी दी जाती है। ठीक हो गया, गुड है। और बोलो सर, क्रिमिनल लॉ में जो है केस जो फाइल्ड होता है वो स्टेट फाइल करती है और उसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं, और सिविल लॉ में जो केस फाइल होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के तहत होता है और उसको लिटिगेशन कहते हैं। ठीक हो गया जी, गुड है। अच्छा जी, इसके अलावा एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जो पार्टीज होती हैं क्रिमिनल के अंदर वो कहलाती हैं प्रोसिक्यूटर और एक्यूज, जबकि जो पार्टीज होती हैं सिविल के अंदर दैट इज नोन एज क्लेमेंट एंड डिफेंडेंट। एक क्वेश्चन का आंसर जो और दे दें, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके होता है, किसके पास होता है? क्रिमिनल में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है, सिविल में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है, यानी किसको प्रूफ करना होता है केस? स्पीकिंग लाउड है सर, क्रिमिनल में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूटर को करना होता है और सिविल में क्लेमेंट को। ऐसे ही बिल्कुल सही जवाब है हीरा, आपका आंसर भी, हीरा आपने आंसर भी नहीं लिखा, आपका माइक ऑफ कर दीजिए। अच्छा जी, अब बेटा मेरे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, बहुत थैंक यू आप सबकी पार्टिसिपेशन का। मैं 5 मिनट में जल्दी से कोर्स रिव्यू कर दूँ ताकि हम एमसीक्यूज पे चले, वो मिस नहीं करना चाहता मैं आज की क्लास में। हायरार्की की बात की थी, हायरार्की जो है स्टार्ट होती है मजिस्ट्रेट कोर्ट से, और मजिस्ट्रेट कोर्ट से ऊपर जो है, अच्छा मजिस्ट्रेट कोर्ट जो सुनती है वो कौन से केसेस सुनती है, सिविल भी और क्रिमिनल भी। मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद जो नेक्स्ट कोर्ट है दैट इज काउंटी कोर्ट, जो कि सिविल केसेस के लिए, और क्राउन कोर्ट जो कि क्रिमिनल केसेस के लिए। मैजिस्ट्रेट कोर्ट सिर्फ और सिर्फ समरी ऑफेंसेस को सुनती है, जबकि आपके पास जो जो भी इनडायरेक्टेबल ऑफेंस होंगे वो डायरेक्टली काउंटी कोर्ट या क्राउन कोर्ट में जाएंगे। जो काउंटी कोर्ट और क्राउन कोर्ट है दे बोथ एक्ट एज कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एंड एज वेल एज कोर्ट ऑफ अपील। अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट से कोई केस इनके पास आ रहा है तो दे विल बी वर्किंग एज अ कोर्ट ऑफ अपील, और अगर कोई इनडायरेक्टेबल ऑफेंस है जो कि डायरेक्टली इनके पास जा रहा है तो दे विल बी परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अगर यहाँ से बात आगे बढ़ेगी तो फिर जाएगी कहाँ पर, हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के अंदर जो है वो 3 डिवीजन है, एक पुलिस बेंच डिवीजन है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और जो आपके पास क्रिमिनल केसेस हैं वो डील होते हैं, दूसरे नंबर पे फैमिली बेंच है जिसके अंदर जो है फैमिली से रिलेटेड तमाम सब केसेस डील किए जाते हैं, और नंबर 3 जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है जिसमें एमसीक्यूज ये पूछा जाता है कि कौन से 5 ऐसे केसेस हैं जो कि ट्रांसफर डिवीजन में डील किए जाते हैं, तो उसका आंसर ये है कि नंबर 1 आपके पास का तमाम के तमाम वो केसेस ट्रांसफर डिवीजन में जाते हैं जो ट्रस्ट एंड मॉर्गेज के हो, नंबर 1, नंबर 2 रेवेन्यू के मैटर्स, नंबर 3 बैंकरप्सी के मैटर्स, नंबर 4 डिस्प्यूटेड विल्स के अगर कोई मैटर्स हो वो, और पार्टनरशिप के जो मैटर्स है, कंपनी के जो मैटर्स हैं, वो सारे के सारे आपके पास जो है वो ट्रांसफर डिवीजन में जाते हैं। अगर हाई कोर्ट की बात नहीं बनती है तो नाउ यू कैन अपील टू कोर्ट ऑफ अपील, जो कि अपील जो कि अबव कोर्ट है फ्रॉम हाई कोर्ट, और इस कोर्ट ऑफ अपील के अंदर 2 डिवीजन होती है, एक सिविल डिवीजन और एक क्रिमिनल डिवीजन है। यहाँ से जो बात आगे जाएगी वो होगी सुप्रीम कोर्ट। अगर इंग्लिश लीगल सिस्टम की बात करें तो इंग्लिश लीगल सिस्टम में जो हाईएस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को 2009 में एप्लीकेबल किया गया, उससे पहले इसका नाम होता था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 12 जजेस होते हैं जिनको जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और इसमें जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट, और उसके जो अंदर उसके जो सेकंड होगा इट इज ही इज नोन एज डिप्टी ऑफ या डिप्टी प्रेसिडेंट, सही है। और जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट्स।
अच्छा जी, अगर इंग्लिश लीगल सिस्टम की बात करें तो इंग्लिश लीगल सिस्टम में यही तमाम कोर्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन क्योंकि जो यूके है वो पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है जो कि 1952 में बना था, और उसके बनने का रीजन जो था, जो मेन वजह बनी थी वो वर्ल्ड वॉर टू थी, जिसमें यूरोप के मुल्कों का अच्छा खासा बेड़ा गर्क हुआ था, तो उनको अकल आ गई, और अकल आने के बाद उन्होंने कहा कि आपस में मुआहदा किया, एक ट्रीटी साइन की, रिटन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंदर उन्होंने ये कह किया कि हम आपस में अच्छे से रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और अगर कोई हमसे लड़ने आएगा तो हम जो है वो उसको मिलकर फंडा लगाएंगे, ठीक है जी। और जो ईसीजे है ये बेसिकली डील करता है, बेसिकली ये यूरोप की सुप्रीम कोर्ट है, और अगर आपस के ममालिक का तो मसला हो, डिफरेंट ममालिक के, डिफरेंट यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के जो वो है लोग हैं उनकी कोई इश्यूज हो तो वो जो है वो ईसीजे में जा सकते हैं। जिनको क्या कहते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप, उन्होंने साइन किया था, जिसके अंदर उन्होंने एग्री किया था कि हम अपने लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर कोई भी ह्यूमन राइट की वायलेशन होगी तो ही और शी, वो इंडिविजुअल जो है वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट में जा सकता है। आखिरी बात रहेगी थी प्रीवी काउंसिल की, व्हाट इज प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल का मतलब ये होता है कि वो तमाम ममालिक जिसके ऊपर जो है वो किसकी हुकूमत थी, जना क्वीन की हुकूमत थी, तो क्वीन साहिबा की जिसके ऊपर हुकूमत थी वो तमाम के तमाम जो है क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज कॉमनवेल्थ कंट्रीज। और कॉमनवेल्थ कंट्री की बात करें तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर जो है आपके पास जो भी इश्यूज कॉमनवेल्थ कंट्रीज से आते थे उन तमाम इश्यूज को हम जो है फाइनल अपील के तौर पे कहां लेके जा सकते थे, आंसर इज प्रीवी काउंसिल में, ठीक है। होपफुली आप लोगों को चीजें समझ आ गई बेटा, मैं एक मिनट आपको दे रहा हूं, अगर पूरे चैप्टर में भी कोई इश्यू है, एक क्वेश्चन आपके पास, अगर एक मिनट है ताकि फिर हम ये एमसीक्यूज को चले। If anyone has any question related whole chapter, पूरे chapter से अगर कोई issue है तो भाई आप मुझे बता दें ताकि उसका मैं answer करके फिर हम MCQ solve करने, ये बड़ा जरूरी है। Do we have to remember the name of king? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इसे knowledge के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी विलियम नाम है याद रखना, कौन सा मुश्किल काम है। Any other question? If I can have 3 yeses, so we can start the MCQs. One. I got one. 2 remaining. 2. 1 left. One more yes. Okay, ho gaya. MCQ started. ये BPB की किट है और BPB की किट के आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं। Which of the following is the prosecutor in a criminal law case? Criminal law case के अंदर कौन जो है वो आपके पास prosecutor होता है? Answer is स्टेट, बिल्कुल ठीक है। आंसर इज स्टेट। सिविल में कौन होता है? सिविल में कौन होता है? पहला प्रोसिक्यूटर नहीं होता है? नहीं, सिविल में क्रिमिनल में जो स्टेट या प्रोसिक्यूटर होता है ना, सिविल में कौन होता है? क्लेमेंट। मेरा एक्यूजर जो है बेटा, एक्यूजर पहली बार एक्यूजर नहीं, इट इज एक्यूज्ड, और एक्यूज जो है वो आपके पास क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूटर जिस पे ब्लेम करनी होती है वो जो है एक्यूज कहलाता है। आंसर इज, क्वेश्चन ये है कि सिविल के अंदर कौन प्रोसिक्यूट करता है? आंसर इज स्टेट। मेरा क्वेश्चन ये था कि सिविल के अंदर कौन केस को लेकर चलता है? आंसर इज क्लेमेंट। सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सिविल लॉ केस? इन सिविल लॉ केस, सिविल लॉ केस में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है उसके लिए वर्ड क्या है? हाँ जी, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल ठीक आंसर है। अगर मैं सवाल को रिपीट करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन अ क्रिमिनल केस, तो आंसर क्या होता? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एग्री, बातें समझ में आ रही? ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड वन,
Which of the following is a remedy? Which of the following is a remedy in which the in under the civil law? Damages. Damages. ठीक है जी, सिविल लॉ की बात करें तो डैमेजेस, सिविल लॉ की बात करें तो डैमेजेस आएगा. जो फाइन और इम्प्रिजनमेंट है ना, जो फाइन या इम्प्रिजनमेंट है, इतना जुर्माना वगैरह, ये क्रिमिनल केस में आता है. ठीक है, ये क्रिमिनल केस में आता है. पनिशमेंट का वर्ड पढ़ा था अलीबा, यहाँ पे उन्होंने बताया था पनिशमेंट का वर्ड था. तो पनिशमेंट के अंदर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों आता है. सिविल केस जो होता है उसमें जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास चार्ज किया जाता है रेमेडी के तौर पर, दैट इज डैमेज. All criminal law cases begins in which of the following courts? Magistrate court. अगर इसमें मैं एक word add करूँ, तो ये है कि तमाम के तमाम criminal cases जो magistrate court में होते हैं, जिसके summary offences हों, अगर इसमें लिखा होता कि indictable offence वाले, तो वो direct कहाँ पे जाते थे? Crown court. County में, crown में. कब county? जब indictable होते हैं. तो कब काउंटी कब ग्राउंड? देखो बेटा, समरी ऑफेंस होगा तो क्रिमिनल हो या सिविल हो, कहां जाएगा? मैजिस्ट्रेट में. लेकिन अगर इंडिक्टेबल होगा तो कब काउंटी कब ग्राउंड? इंडिक्टेबल और वो मर्डर केसेस जो इस तरह के होते हैं वो ग्राउंड में जाएंगे. आंसर इज इंडिक्टेबल ऑफेंस होगा. देखो मर्डर तो खुद इंडिक्टेबल ऑफेंस है ना, तो अगर एक इंडिक्टेबल ऑफेंस होगा और वो सिविल इंडिक्टेबल ऑफेंस होगा तो काउंटी में, और क्रिमिनल इंडिक्टेबल ऑफेंस होगा तो ग्राउंड में जाएगा. तो क्राउन में जाएगा. ठीक हो गया. 1.5 की बात करें, 1.5 की बात करें तो 1.5 है द क्वींस बेंच डिवीजन या फैमिली चार्ज डिवीजन. ऑल डिवीजन ऑफ व्हिच कोर्ट? हाई कोर्ट. ठीक जवाब है जी, हाई कोर्ट सही है. और नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग केसेस ब्रॉट बिफोर मैजिस्ट्रेट इज करेक्ट. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आती है? The case is decided by the magistrate rather than a jury. Only criminal cases are heard at a magistrate court. Appeals are made directly to the court of appeal. अच्छा, अब एक बात समझनी है. देखो जिस भी MCQs में आप फंसो ना, जरा सा डाउट हो, जरा सा मसला हो कि यार ये पता नहीं क्या आंसर है, क्या हो सकता है, तो उसमें एक थ्योरी है और उस थ्योरी का नाम है एलिमिनेट द इम्पॉसिबल्स. Eliminate the impossible. आप impossible को eliminate करना शुरू कर दो, तो automatically आप answer पे चले जाते हो. फर्ज करते हैं कि मुझे 1.6 का answer नहीं पता, सही? तो मैं इसको फिर अब ये सोचना यार मुझे आता तो है नहीं, अब एक मार्क का सवाल है छोड़ूंगा तो मैं नहीं. चलो ऐसा करते हैं कि जो हो ही नहीं सकता उसको बात करते हैं. फर्ज करें सी, appeals are made directly to the court of appeal. गलत है ना ये तो नहीं होता. ये तो तब होता है जब हाई कोर्ट से बात आगे जाती है, ये तो गलत हो गया. ओनली क्रिमिनल केसेज आर हर्ड एट अ मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये भी गलत है. क्योंकि मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर तो सिविल केसेस भी और क्रिमिनल केसेस दोनों सुने जाते हैं. आंसर क्या बचा थे? ए, कि ऐसा केस जो कि मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, ज्यूरी डिसाइड नहीं करेगी. क्या फर्क होता है मैजिस्ट्रेट और ज्यूरी में? सिर्फ मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर ज्यूरी नहीं होती, बाकी तमाम कोर्ट के अंदर ज्यूरीज होती है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैजिस्ट्रेट एंड ज्यूरी? ज्यूरी में नंबर ऑफ जजेस होते हैं. हाँ, मैजिस्ट्रेट जो है वो सिंगल जज कोर्ट है, जबकि जो आपके पास बाकी तमाम के तमाम है वो आपके पास ज्यूरी जजेस है, सही? अच्छा, 1.7, which of the following offences would only be heard at a magistrate court? Simple. कौन सी offences? Indictable offence अगर civil होगा, तो county में, indictable offence अगर criminal होगा तो क्राउन में. व्हाट इज दिस? अ ट्राइबल आइदर वे ऑफेंस. ये क्या होता है? ये होता है कि आपके वकील को जज साहब कहते हैं कि आप देख लें कि आपने इसको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में लेके जाना है या काउंटी या क्राउन कोर्ट में लेके जाना है. नेक्स्ट इज व्हिच टाइप ऑफ लॉ इज कंसर्न्ड विद द फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ लोकल अथॉरिटीज. लोकल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं. लोकल अथॉरिटी कम्स अंडर गवर्नमेंट. 1.8 की बात कर रहे हैं. लोकल अथॉरिटी कम्स अंडर गवर्नमेंट. हाँ जी, पब्लिक लॉ ने बेटा, मैंने इतना बड़ा हिंट दिया है, पब्लिक लॉ. ठीक है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद क्रिमिनल लॉ रादर देन सिविल लॉ? आंसर इज पनिशमेंट और वन एंड टू
क्लेमेंट में नहीं लेकर आ रहा, हालांकि जो क्लेमेंट है वो क्योंकि पब्लिक उसमें क्रिमिनल में भी आता है और सिविल लॉ में भी आता है, इसलिए क्लेमेंट की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए जो आंसर होगा दैट विल बी 1 एंड 2 पनिशमेंट एंड पब्लिक लॉ। Which two of the following are the parties involved in civil law cases? Civil law cases में कौन सी parties हैं? Accused 2 and 3 और accused और claimant। Civil law case की बात हो रही है। Civil law case में कौन-कौन है जल्दी से? Sir, accused and claimant। Accused and claimant, ठीक है? Accused and claimant। Accused नहीं है? Accused कौन से दो लोग होते हैं? क्लेमेंट एंड डिफेंडेंट। एक्यूज्ड तो इसमें आएगा ना, क्रिमिनल में आएगा। प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड ये क्रिमिनल में, जबकि ये डिफेंडेंट क्लेमेंट जो है ये किसमें? ये सिविल में। 2 and 3 सी आंसर बनता है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.11। थोड़ा सा एक मिनट रह गया मेरे पास। In the civil law system, cases are allocated to one of the three tracks of full process. Which of the following is not a track? Not a track. Medium. Medium. Tracks कौन से होते हैं? Small, जिसमें less than 10,000. Fast, जिसमें 10,000 और 25,000 के between. और multi, जिसमें above 25,000. In the criminal law system, an immediate appeal regarding a decision by a magistrate court could be heard by the following courts. कौन-कौन से court में जा सकते हैं? कौन-कौन से court? Crown court. क्रिमिनल केसेस के अंदर जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से निकलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? क्राउन कोर्ट में, ठीक है जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स ओनली हैज सिविल ज्यूरिसडिक्शन? सिर्फ सिविल ज्यूरिसडिक्शन है। इसमें से कौन सा है? काउंटी कोर्ट हो गया। 1.14 द चांसरी डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स हियर केसेस इन्वॉल्विंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स? चांसरी डिवीजन की बात कर रहे हैं, पांच थे उसमें, उन पांच में से इसमें कौन सा नजर आ रहा है? ट्रस्ट एंड मॉर्गेज हो गया, बाकी और चार जो थे उन्हें देखिएगा। Which two of the following are types of offences heard by a magistrate court? Heard by a magistrate court. कौन कौन से cases हैं जो कि magistrate court heard करती है? Summary और tribal either way. Summary और tribal either way. बिल्कुल ठीक जवाब। Summary और tribal either way. बेटा आपके जो chat में answers आ रहे हैं, बहुत sorry कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसको जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि miss ना हो। Hopefully MCQ सारे clear हो गए।